आज हम क्लास 10th की NCERT बुक की पोयम एनिमल पढ़ेंगे, जिनको लिखा है वाल्ट विटमैन ने। इंसान और जानवर उन्होंने कंपेयर किया, मतलब उन दोनों का आपने तुलना की है। वो कहते हैं कि वो जानवर जो है वो इंसान से काफ़ी चीज़ों में बेहतर है। जानवरों में कभी अच्छा बनने की होड़ नहीं होती, उनके अंदर एक असीम सहनशीलता होती है। इस कविता में कवि कहते हैं कि वो पशुओं के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो आत्मविश्वास से पूर्ण होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होती है। इस कविता में वह यह कहते हैं कि पशु कभी भी अपने स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करते, उनमें किसी भी वस्तु को संग्रह करने की कोई उन्माद नहीं होती। उन्माद मतलब होता है कि उनमें कंपटीशन नहीं होती कि हमें ये चाहिए, उनकी इच्छाएं कोई बहुत ज़्यादा ही नहीं होती। आसान भाषा में कहें तो उनकी कुछ इच्छाएं ही नहीं होती, वो सिर्फ जीने के लिए जो ज़रूरी है वही चीज़ करते हैं। फिर वो अपने में ही जितना उनके पास है वो अपने में ही खुश रहते हैं, उनमें कभी भी यह अच्छा बनने की बनावटीपन नहीं होती। वो जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, उनके अंदर कोई भी बनावटीपन नहीं होता। वो कभी कहते हैं पिता में कभी कहते हैं कि पशु जो होता है वह इंसान से काफ़ी चीज़ों में बेहतर होता है। कभी यह भी कहते हैं कि पशु जो होते हैं कभी यह कहते हैं कि हमें अच्छा बनना चाहिए, लेकिन कभी भी हमें अच्छा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो हम आपको इसी पे एक छोटी सी दो पंक्तियाँ सुनाते हैं। कहते हैं ना, इंसान भी जानवर बन जाता है जब उसके अंदर लालच और घृणा भर जाता है। तो वही है, जब हमारे अंदर लालच और घृणा भर जाएगी तो हम भी जानवर बन जाएंगे। तो आज की कविताएं हम यही ख़त्म करते हैं और फिर से मिलते हैं इसी उत्साह